नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि कल अभिषेक बच्चन तथा ऋतिक रोशन की आइकॉनिक फिल्म ब्लॉकबस्टर फिल्म धूम 2 को रिलीज के 16 साल कंप्लीट हो गए थे। तो दोस्तों इस अवसर पर किस प्रकार से अभिषेक बच्चन तथा ऋतिक रोशन की एक तस्वीर जो कि इस समय काफी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर और दोस्तों इसे उनके फैंस द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है, इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहा हूँ। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों दरअसल हुआ यूं कि अभिषेक बच्चन तथा ऋतिक रोशन की ब्लॉकबस्टर फिल्म धूम 2 को कल 16 साल पूरे हो गए थे, 16 वर्ष रिलीज को कंप्लीट हो गए थे। दोस्तों इस अवसर पर प्रसिद्ध कोरियोग्राफर तथा डायरेक्टर फर्रा खान ने एक तस्वीर शेयर की अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे। उन्होंने एक तस्वीर शेयर की जिसमें अभिषेक बच्चन तथा ऋतिक रोशन दोनों डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़े ही मस्त अंदाज में, जबरदस्त अंदाज में दोनों डांस करते हुए नजर आ रहे हैं और दोस्तों साथ में ही दिलकश तरीके से हंसते हुए भी नजर आ रहे हैं उस तस्वीर में। तो दोस्तों फर्रा खान ने ये तस्वीर पोस्ट की और उन्होंने साथ में ये भी पूछ डाला कि क्या आप बता सकते हैं कि ये दोनों कौन से गाने पर डांस कर रहे हैं। उन्होंने ये हिंट जरूर दी कि दरअसल ये जो तस्वीर है अभिषेक बच्चन तथा ऋतिक रोशन की, ये उनके घर पर एक कोई संगीत समारोह हुआ था, कोई डांस का कोई प्रोग्राम हुआ था या कोई भी फंक्शन हुआ था उनके घर पर। तो उस फंक्शन के दौरान है जब ये दोनों कलाकार एक साथ नाचते हुए दिखाई दिए थे। तो दोस्तों उन्होंने प्रशंसकों से ये पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि इस तस्वीर में ये दोनों कलाकार कौन से गाने पर नाचते हुए दिखाई दे रहे। तो दोस्तों फर्रा खान ने लिखा कि मुझे तो याद नहीं है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि उस समय कौन सा गाना बजाया जा रहा था जिस पर ये दोनों कलाकार इतने बेहतरीन तरीके से डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों इसके जवाब में कई प्रशंसकों ने तो ये लिखा कि दोनों ने चूंकि दिल पे हाथ रखा हुआ है नाचते हुए, तो किसी ने कहा कि इस गाने का तो पता नहीं लेकिन इस गाने में दिल सब जरूर आएगा, ये गाना दिल से संबंधित है। एक यूजर ने तो ये लिखा हुआ है। दोस्तों दूसरे यूजर ने ये लिखा कि धूम 2 बहुत ही जबरदस्त फिल्म थी और धूम 2 के हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि अभिषेक बच्चन आज तक के सबसे बेस्ट कॉप है तथा ऋतिक रोशन सबसे बेस्ट चोर है। मतलब सबसे बेस्ट चोर का रोल प्ले ऋतिक रोशन ने किया है और सबसे बेस्ट कॉप अभिषेक बच्चन है। वहीं दोस्तों कई यूजर्स ने ये भी लिखा है कि क्या फर्रा खान अभिषेक बच्चन तथा ऋतिक रोशन को एक साथ लेकर कोई फिल्म डायरेक्ट करने वाली है। इसके बारे में भी यूजर्स फर्रा खान से डिमांड कर रहे हैं कि आप इन दोनों को साथ में लीजिए और एक फिल्म बना दीजिए, क्योंकि दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही सुपर्ब लगती है। और धूम 2 के तो क्या कहना, धूम 2 तो ब्लॉकबस्टर फिल्म थी और अभिषेक और ऋतिक की जोड़ी भी उस फिल्म में बहुत ज्यादा पसंद की गई थी। दोस्तों साथ ही आपको भी बता दूं कि अभिषेक बच्चन जहां इस समय दसवीं की अपार सफलता से बहुत ही प्रसन्न है और उनके अभिनय की चारों तरफ प्रशंसा हो रही है, वहीं दोस्तों ऋतिक रोशन भी विक्रम वेदा की शूटिंग में इस समय बिजी है और दोस्तों जल्दी उनकी फिल्म विक्रम वेदा रिलीज होने वाली है और इस समय वो विक्रम वेदा तथा फिल्म फाइटर की शूटिंग में व्यस्त है। वहीं दोस्तों आपको ये भी जानकारी दे दूं कि अभिषेक बच्चन इस समय ब्रेथ इन टू द शेडो के अगले सीरीज की शूटिंग में मुंबई में व्यस्त है। तो दोस्तों दोनों ही कलाकार काफी बिजी है। अगर फर्रा खान इन दोनों कलाकारों को एक साथ किसी फिल्म में वापस साथ लेकर आती है तो ये उन दोनों ही कलाकारों के प्रशंसकों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।